पेन इज अगेन, पेन इज अ टीचर. आपने ये सुना होगा. आज मैं आपसे बात करती हूँ कि पेन से गेन कैसे होता है और पेन टीचर कैसे है. आपने देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द के लोग होंगे, वो आपको तकलीफ देने से बाज नहीं आएंगे. इतनी बातें, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें कर जाएंगे जिससे इतनी तकलीफ होती है कि और खुद आराम से हंस के गुजर जाएंगे और उनको एहसास भी नहीं होता कि दूसरा बंदा किस तकलीफ से गुजर रहा है. जब पेशेंट मेरे पास आते हैं वो अक्सर ये बात कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपको हमारी पेन का नहीं पता, बहुत तकलीफ से हम गुजर रहे हैं. तो मैं उन्हें ये कहती हूँ कि मुझे इस तकलीफ का पता है क्योंकि मैं इसकी साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल और फिजिकल रीजन भी जानती हूँ. और यही जो इमोशनल पेन है फिर बाद में फिजिकल पेन बन जाती है. अब बात ये होती है कि किसी ने आपके बारे में बुरी बात कही, आपको गलत बात कही या सही बात की जिसका आपको दुख हुआ, आप नहीं चाहते थे कि वो बात हो और लोगों ने वो बात कर दी, तो अब आपके साथ क्या होता है? आप उस तकलीफ में जाते हैं, उस तकलीफ में अगर तो आप रह गए, आप उसी के इर्द गिर्द घूमते रहे, तो आपके सेल्स जो हैं ब्रेन के वहीं घूमते रहेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. उससे आप गेन कुछ नहीं करेंगे. लेकिन अगर आपने उसे ग्रो किया, नंबर वन इस्लामिकली, हमारा मतलब इस्लाम इस चीज को बहुत ज्यादा करता है कि जब कोई बंदा तकलीफ देता है तो आप ये सोचें कि इसके बदले अल्लाह ताला की जात आप पे बहुत रहम करेगी और आपको इसका बहुत अच्छा बदला मिलेगा. सबसे पहले पहली बात यह है. अब दूसरी बात यह होती है कि आपके जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, मैं अभी एक रिसर्च पढ़ रही थी तो उसमें वो बता रहे थे कि आपका जो प्रोसेस होता है, आपके ब्रेन का जो प्रोसेस होता है, वो उस पेन को अगर आप पॉजिटिवली लेके चलते हैं तो वो कितने अच्छे तरीके से आपके फ्रंटल लोब को, आपके उन जगहों को जो जजमेंट को इम्प्रूव करते हैं जब आपने उस पेन को प्रॉपरली लिया होता है और हैंडल किया होता है. अब आप मुझसे पूछेंगे कि हैंडल कैसे करते हैं, जाहिर है यही मेरा सब्जेक्ट है. तो हैंडल करने के लिए आप ये करेंगे कि अगर किसी ने आपके बारे में तीन बातें कही हैं, तीन बातों के अगेंस्ट आप नौ बातों को लिखें या एक बात के अगेंस्ट तीन बातों को लिखें. इसको मैं कहती हूँ एंटी नेगेटिव थॉट, ANT, एंड जैसे छोटी सी चूटी होती है. तो आप ये करें कि थ्री थॉट्स को लिखें. उससे क्या होगा कि आपका ब्रेन एक राउट बनाएगा पॉजिटिव थिंकिंग का, एक सही थिंकिंग का, एक राइट थिंकिंग का. उस एकदम आप देखेंगे कि आपका लेवल अंडरस्टैंडिंग का, चीजों को समझने का, आप नेक्स्ट स्टेप पे चले गए हैं. और दूसरा ये होगा कि जब एक बंदा सुनेगा कि उसने आपकी बुराई की है लेकिन आपने उसकी बुराई नहीं की, आप उस पर चुप रहे हैं, आप उस पर ठीक रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अगला बंदा भी इस चीज को सोचने में मजबूर हो जाएगा. तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जब कोई पेन आती है तो इसको इसी तरह से लें और उसमें आप मैं आपको इंजॉय करें. इंजॉय इस तरह से करें कि डेफिनेटली एक बंदा, जो बंदा बात कह रहा है, जो उसकी अपनी कमियां वो आपको बता रहा है. मोस्ट ऑफ पीपल दूसरों बंदों की कमियों को नहीं देखते हैं, जो उनके अंदर प्रॉब्लम होती है उन प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं. तो मैं ये कहती हूँ कि पेन से आपको घबराना नहीं चाहिए. तुंदी ये बाद मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए. तो ये पेन आती है वो गेन के लिए आती है, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए आती है. उसको एज अ टीचर ले, एज अ पेन ना ले. थैंक यू.